गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे धात मर जा। गुरु अमरदास पास गोइंदवाल साहब आया, वो कहने लगा गुरु जी तुम सिखा नु धांता मारन सिखाओ, मैं धांता मारन जानना। ये शब्द एक तनासरी च भी आवेगा महाराज साहब तीजे पातशाह का, तो थोड़ी ही तुका का फर्क आवेगा आपो बिच ही। तो इतने हजूर फरमाने रहे जोगी धांता ने मारने करके की फल है, ये मन का मंदा सुहाव न मरिया। जिन्ना चेर मन का मंदा सुहाव नहीं मरदा उन्ना चेर धांता मारिया नु कोई लाभ नहीं होगा। सोना मार लिया, चांदी मार ली, छिका मार लिया, तारा मार लिया, ये धांता मारने करे की लाभ है। मन मारे धात मर जाए, ये भाई मन का मंदा सुहाव मार ले आपे सारिया धांता मर जानी है। सारिया धांता सोध लिया, उन लोहा भी सोध लिया, उन छिका भी सोध लिया, तारा भी सोध लिया, चांदी भी शुद्ध कर ली, ओदिया सारिया धांता मर गई। जिदा मन का मंदा सुहाव मर गया। ये महाराज ये माया दे करके साडे शरीर के अंदर है, कईया नू वकार दी सुपन दोष हुंदा है, ये धांत नहीं मारा नाश हुंदी। महाराज कहंदे भाई जे मन मर जू तां तेरी धांत जिहड़ी है नाश हो जाएगी। जिन्ना चिर मन तेरा भैड़ा है उन्ना चिर सुपन दोष ही शरीर पलीत हुंदा रहिंदा है। इस प्रकार धांत नहीं मरदी जिन्ना चिर मन का मंदा सुहाव नहीं मारदा। भावे किनिया दवाइया खा ला मन वकारा चुकदा रहिंदा है। इसे प्रकार कहने मन मारे धांत ना माया दा, माया दी धौनी ता मर जांदी है जे मन नू मार लवे। नहीं तो हर मन हर वक्त मन माया दी धौनी च दौड़ रहा भी कदे आ कुछ कर लिए, कदे आ कुछ कर लिए, जे पैसे वटे जान। यूं कई सार टूंबा ही लोगों ने लै जांदे, मैं धांता मारन जाणदा कह के छड्डी मार लैंदे है। तो इस प्रकार धांता नहीं मारिया जांदियां। महाराज कहंदे जन मन दा मंदा सुहाव मर गए फिर जूना दी धौनी जिहड़ी मर जांदी है मुक्त हो जांदा है। फिर वासना दी जिहड़ी धांत दौड़ है ए भी निवृत्त हो जांदी मर जांदी है। बिन मूए कैसे हर पाए, भाई जीव भाव तो मरिया नहीं उन्हें चिर हरी अकाल पुरख की किवें प्राप्ति होगी, नहीं हो सकेगी। मन मरे दारू जाने को, मंदा मंदा सुभाव ता मरेगा जे कोई रहन दो अबन कृपा को। मन मरे दारू जाने को, मंदा मंदा सुभाव ता मरेगा। इस गल दी दारू कोई कोई जानदा है। मन दा मारना जेड़ा मन दे सुधारन दा नाम, जे पारे सुधम दा नाम मारना है, इन्हें मन के सुधारण का नाम मारना है। मन शब्द मरे बूझे जन को, भाई गुरु साहब के शब्द नाल मरेगा। जो कोई प्रेमी चाहता है मन का मारना, वो बुझ लवे गुरां द्वारा, पुछ लवे गुरां के पासों, तो जो समझ लवे। जिस प्रकार साहब सिंह जी कच्चा पा रहा जेड़ा थोड़े जे पैसे नहीं मुलदा हुंदा है, इस प्रकार जिन्ना चिर कच्चा मन है जमन मरण का थोड़ा ही मुल मिलता रहा, कदे जमदा रहा कदे मरदा रहा है। जिस प्रकार मगरों पानी की मग्घी सिर के कोले भन लेंदे है जाके, अंत की वार गगरी या होरी, इस तरह की हालत रही जमा का सूर जहा ए परलोक वास्ते जो सारी उम्र कदे नहीं खादा ओह जहा ए प्रलोक दे वास्ते ओ फागू दे रेता जमा दा सूड़िया बना के रख दिंदे भी प्रलोक दे रस्ते दा ओ खुराक दिंदे उहनू। इस प्रकार दी हालत हुंदी है मरे ते मगरों। तो गुरु महाराज साहब फरमाउंदे कच्चे मन दी इह हालत है पारे दी, ते जदों पारे नूं शोधन करिए बूटी दे विच रला के खरल कीता जावे, पारे दी कोई किसी प्रकार का किनका कचरा ना नजर आवे, हरा रंग ही बूटी का रह जावे, उस संगी ये पारा खरल हो गया है। फिर उस पारे ताई अग भी दिता जांदा है। अग भी देण वेले उस पारे दे ताई जे कच्चा ना रह जावे, पारा ना रह जावे, तो उड़ना जावे अग दे विच मिल करके, तो पूरा सोधिया भी जावे, फिर वो पारा साहब सिंह जी संपल दे जो संपद पूरा दिता जाता है, उड़े ना
कच्चा ना रह जावे, पूरा सोधया जावे, फिर उस नूं कख लैके जे खाइए, फिर सत्संग जी मन खुराक हजम करने की ताकत उस आदमी च हो जाती है। अब जे थोड़ा जा रत्ती लैके कली च पा दिए तो चांदी बन जाती है, जे करके थोड़ा जा तांबे च पा दिए तो सोना बन जाता है, ओही जे थोड़ा जा खा ले हाथी का मुकाबला करने का बल हो जाता है, केडा बली हो जाता है। इस प्रकार मानो पारे भी नहीं कच्चा, इस दे ताई शुद्ध एदा मुल जमन मरनी पैंदा है, जां अंत वेले गगरी फौरनी ते चांग जी मार के कूक मार दिंदे है जदों कूकों वास्ते जांदे है, इस प्रकार दी हालत है। अते जे करके गुरु साहिब सच्चे पातशाह दे हत्थे मन पारा कच्चा जो है ये आ जावे, गुरु साहिब दी जिहड़ी बूटी है जिहड़ी बाणी है जिहड़ी ये बूटी है निर्मल, इहदे च निश्चय रूपी सुनहरे च पा के अभ्यास रूपी डंडे नाल रगड़िया जावे, रड़के जदों बाणी दा ही आनंद रह जे विच होर मन दे संकल्प सारे मुड़ जाण, उदण मन पारा खरल होया पूरा जाणे ना। अते फिर संपट देना अंत गुर आराधना, जेदा जब गुर नाउ नेत्री सतगुर देखना सरमणी सुनना गुर नाउ, सतगुर सेती रचिया दरजे पाई है ठाउ, कहो नानक कृपा करे जिसनू ए वस दे जगों तुम काढ़ियो वेले कही के, ए सारे इंद्रिया नू दमन करके मन दे संकल मेट के गुरु दे स्वरूप विच लीन होना, मन दा संपट रखना है। ਇਹ ਮਨ ਉੱਡਣਾ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਆਲਸ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਲੁਟਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਉਂ ਇਸ ਉੱਡਣਾ ਜਾਵੇ ਮਨ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੂਨਾ ਚ ਨਾ ਭਰਮ ਦਾ ਸੁਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਝੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨੀ ਦੂਏ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਐਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਨੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਧਿਆ ਮਨ। ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਪਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਕੱਚਾ ਹੈ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਇਉਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਸਬਦ ਮਾਰਾ ਬੂਝੈ ਜਨ ਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਧਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਨਾ, ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜਨ ਭਗਤ ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ, ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੀ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਰ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਰੈ, ਇਸ ਮਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੂਤ ਨੂੰ ਬਾਂਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੜਦਾ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਰਹੋ, ਇਉਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਰੈ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਗਲ ਮਿਟਦਾਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਮਤਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਚ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੂਪੀ ਮਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਤ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਸਤ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਰੀਏ ਨਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਮਹਿੰਗ, ਹਾਥੀ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
मकदार नाम मनिंद स्वर्थ है। मन ममता रूपी शराब पी के, नए रूपी शराब पी के मस्त मेंगल हाथी जो मकदार सुदर्श हो रहा है। गुर अंक समार जीवालन हारी कुंडे ठीक करी दे। जो गुरु साहब के पास शब्द रूपी कुंडा है, गुरु साहब शब्द रूपी कुंडा पा के इस संसार वालों मार के वाहगुरु वाल जी जीव लगानी है, जीवत भाव को मार के परमेश्वर वाल जिंदा करना है। क्यों जवालन वाले है जीव भाव वालों मार के वाहगुरु के स्वरूप वाल जीवन में जीवन पाया। गुरु भाए राम जवालन वाले हैं। मन असाध साध जन को मन पाई असाध जिम्मे तबदिक बीमारी असाध हुंदी है। इसे प्रकार होर कई जिम्मे फिर दोख असाध हुंदे है। इसे प्रकार मन न साध्या जान वाला है। ये अंदर आशा तृष्णा वासना आदि बेअंत हनगियां असाध बीमारी दी नहीं आई है, रोग दी नहीं आई है। कोई कोई जन सोधन वाला है, साधन वाला जितन वाला इस मन दे पाई सारे नहीं भाई मन नू जित सकदे। अचर चरै ता निर्मल हो मन दा सुभाव अचर चरै जिधर परमेश्वर के बिच वाहगुरु वाल चलन तो यह चारो है। वाहगुरु वाल चलता नहीं है उदो अचल होया हो जड़ होके सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया। ठगी मारन दियां छल करन दियां चोरी जारी दियां सारियां गल्लां जान लिया जदों भजन दी गल की सुन के दड़ वट गया चुप हो गया। तो इस प्रकार की हालत है मन की। यह जिधर चलता नहीं मन जड़ गया हो जाता है उदू चलन लग जे ता ही निर्मल हुंदा है। परमेश्वर वालों ये चल जड़ रहिंदा है जे उस पासे चलन लग जे ता ही निर्मल शुद्ध हो जाता है। अचर चरा जेड़े काम को लोभ मोह अहंकार है वे पासो चरे नहीं जाते मेटे नहीं जाते नाश कर लेवे जे उन्हां नूं। जेड़े नहीं है तो चरे जाते मेटे जाते उन्हां नूं चर लेवे नाश कर लेवे खा जावे ता ये मनो निर्मल हुंदा है। अचर चरा जिधर यह चरा बिकरदा संसार वल उधरों अचल हो जे उधरों बिकरनो हट जे भटकनो हट जे वासना वालों ता यह निर्मल शुद्ध हुंदा है। जिधर मन चढ़दा नहीं तुरिया पाए वल जागर सुपन सुखो च हर वक्त रहिंदा है जे उधर नूं चढ़ पवे ता यह निर्मल शुद्ध हो जाता है। गुरमुख एहो मन लिया सवार गुरमुखा ने इस मन नू भाई सवार लिया है। होमे विच हो तजे विकार सवार गुरमुखा जे भी होमे छड़ दिती है जेडे काम करो लो मोह विकार सी ए भी अंदर छड़ दिते है। क्यों गुरमुखा ने मन नू सवार लिया है जिदे विकार नहीं मिटे होमे नहीं मिटी ओदा मन चल किवें आस करदा रहिंदा जां वासना च वज्जा रहिंदा है। इस प्रकार गुरमुख जेड़े सदा स्वतंत्र चेतन स्वरूप जुड़े रहिंदे हन। जो तुर राखण मेल मिला गुरां दे मेल च मिला के मारा रखना कीते है कदे ना विछड़ा शब्द समाए उन्हां दा वाहिगुरु नाल विछोड़ा नहीं हुंदा हर वक्त शब्द ब्रह्म विच समाए रहिंदे हन। आपणे विछड़े नहीं जेड़े शब्द च मस्त होए है गुरां दे शब्द समाए है उन्हां दा हर वक्त मिलाप है वाहिगुरु नाल जिन्हां नूं शब्द दा विछोड़ा है विछड़े होए है। अपनी कला आपे ही जाने मन जिहड़ा है रोकना ये कला शक्ति उस वाहिगुरु की अपनी है। ये संसार भी उहदी कला है पंजां तत्तां दी भी कला है ये सारा पसारा जिन्हां उहदी आपदी शक्ति है इस नूं आप ही मेरा वाहिगुरु जानदा है। नानक गुरमुख नाम पछाण जिहड़ा गुरमुख है वह वाहिगुरु के नाम द्वारा परमेश्वर मन नूं रोकना पछाण लैंदे है। ये आपकी कला है वरताई हुई माया ते मन आदिक इसके रोकण नूं आप ही जानदा है। गुरमुख दे नाम नूं पछाण के गुरु साहिब जी कहिंदे है उस च भेद हो जांदे हन। गौड़ी गुआरे री महला तीजा होमे विच सब जग बौराना जग दे लोग क्यों नहीं समझदे महाराज कहिंदे भाई होमे विच सारा जग पे बौराना कमला हो रहा है। दूजे पाए परम भुलाना महाराज होमे नूं क्यों चीज चिंबड़ी है कहिंदे द्वैत भाव होने करके स्वरूप अद्वैत रूप का बोध हट गया दूजा भाव फुरिया
ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਚ ਭੁੱਲਣ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣ, ਚਿਤਵਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਤਵਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਬਿਹਾਨਾ, ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਧੋਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਗਾੜ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਦਾ ਰਾਮ ਰਮਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਫਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਰਸਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜੋ ਰਸਨ ਰਸੀਏ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਚ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਸ ਵਿਚ ਨੀ ਉਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਰਸ ਰੂਪ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀ ਹਾਂ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ, ਜਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਚੇਤਨ ਦਾ, ਚੌਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੌਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਚ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇਖੋ ਸਤਯੁਗ ਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਲ ਯੁਗ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ, ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ। ਸੇਜਨ ਸੱਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮੇਲ ਲਏ ਆਪਦੇ ਵਿਚ। ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਜ ਲਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ, ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ? ਭਾਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਨੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਮਨ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਪੀਰ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਰ ਹਾਂ ਇਹ ਪੀੜ ਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੀੜ ਹਾਥੀ ਆਦਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜ ਤਤਵੇਤ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜ ਈਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਹਿਜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੂਕ ਵਿਸਰੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪਰਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਚੋਂ ਬਲ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਸਭ ਮਾਹ ਸਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਵਿਆਪਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ, ਕਦੇ ਨੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਦਰਗਹ ਪਦ ਪਰਵਾਨਾ, ਸੇਵਨ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
प्रमाण नीक होई है इस लोक विच भी पर पैंदी है परलोक च भी। हर के नाम विचो बल जा शुभ नाम दे विचो उपरों बलिहार कुर्बान जाने हां। तू विसर है तद ही मर जा मारा इन्ना प्यारा जदो आप भूल जाओ साडा तदों मर जाना हुंदा है उदो ही असि अपनी मृत्यु समझदे हां। रहाओ तेन तू विसर है जे तुद आप भुलाए वाहिगुरू तुसी भुलदे हो जेड़े आप तेनू भुला दिंदे है जिन्हां नूं तां आप माया दे मोह पाया है जान के भुलाता है। तेन तू विसर है जे दूजा पाए उन्हां नूं तू भुलदा महाराज जेड़े द्वैत भा के लगे हुए हैं दूजियां चीजां च प्रेम करदे हैं। मनमुख अग्ञानी जोनी पाए उन्हां दा मनमुख है मन नूं मुखी समझिया होया है स्वरूप दे अज्ञान करके अज्ञानी हन वो जूना च पाए जांदे बार बार। जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाए एक मन जिन्हां ने जपिया आप तुठे प्रसन्न होए हो ओ सतगुरां दी सेवा च एक मन हो के लाते है तुसी। जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए जिन्हां दा कादर मन वेख के तुसी प्रसन्न हो गए हो सच्चे पातशाह एक मन एक चित हो के तिन हर मन वसाए मनन करके सरवण करा के मन च बसा दिने कमाई करवाना है। गुरमति हर नाम समाए गुरमति द्वारा गुरमति जी हरी तेरे नाम विच मस्त हो जांदे मिल जांदे हरी। जिन्ना पोता पुन जिन्हां दे खजाने हिरदे रूपी खजाने जी पुन हन गे ज्ञान विचारी रूप दे ज्ञान दी विचार वाले हन। जिन्ना पोता पुन नाम खजाने जिन्हां दे हिरदे रूपी खजाने जी पुन पूर्व दे निष्काम कर्मा दे हन। तिन हौ मैं मारी उन्हां दे दी हंगता मार ली है। नानक जो नाम रते जा के पग लिख लेने ओह लिख लेंदे जो सुत्या च निकल गए ऊं रिह जांदे। नानक जो नाम रते नानक जो नाम रते तिन कौ बलिहारी गुरु साहिब जी कहंदे जेड़े नाम चिरंगे उन्हां तो बलिहार कुर्बान जाइए। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा तू आकाश क्यों कथिया जाए ठीक है दो पहरे रसोई आ गए मैं तो सुत्या वाल वेखदा रहा करां मैं कथा करा करा इन्नी कि होश रखा करो ये गुरु साहब की कथा है यदि इन्नी कदर नहीं थोड़े अंदर है तो लाभ तुसी किन्ना खटोगे अपनी जिंदगी में। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा तू अकथ क्यों कथे आ जाए ये तुसी होर चकसाला जाके सुन लिया करो जे सुनना ही है मेरे कोले आके कानू खिचल रोने हो। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा तू अकथ क्यों कथे आ जा स्वरूप परमेश्वर तू वेद शास्त्रां करके सुरति सिमरती आदकां करके शक्ति वृत्ति करके अकथ है किस प्रकार शक्ति वृत्ति करके हे पासों कथा कर किया जावे शक अर्थ द्वारा नहीं कथन किया जाता। गुर शब्द मारण मन माहे समाज शब्द है लखन वृत्ति द्वारा जो कथन करता है ये मारण एक मसाला है जे मन दे कुछ समाज आवे ते मंदा सुहा इस प्रकार मारिया जांदा है। तेरे गुण अनेक कीमत नह पाए तेरे जेड़े गुण हैं अनेका हैं आपके गुणा की कीमत नहीं किसी पासों पाई जाती जिसकी बाणी तिस माहे समाणी जिस वाहिगुरु की बाणी है जेड़ा एदे च मिलेगा ओदी वृत्ति उस वाहिगुरु च समा जाएगी अभेद हो जाएगी वाह वाह पूरे गुरु की बाणी पूरे गुरुदेव जी साज समाणी तेरी अकथ कथा गुर शब्द बखाणी कहन तो रहत कथा है परमेश्वर जी शक्ति वृत्ति करके किसी तो कही नहीं जानी गुरु साहब ने शब्द द्वारा कसम की लखना वृत्ति द्वारा। रहाओ जह सतगुर तह सत संगत बनाई जिसे सतगुरां दा निवास है उसे नाल साध संगत बनाई है क्योंकि सतगुर बाजों संगत न हुई सतगुरों के बगैर संगत नहीं है हो सकती पिछे इकट्ठ होंगे सर ऋषियां मुनिया के पिछलिया युगां च
जय सतगुर सहजे हर गुण गाए संजीवन वास सुते हरि अकाल पुरख दे गुण गाई दे हन। जय सतगुर तह हो मैं शब्द जलाई जिले संजीवन निवास है हृदय के ओ हृदय के शब्द नाल होमे नी जाग दिता आपने। गुरमुख सेवा महली खाओ पाए गुरमुखां दी सेवा है करी हुई महली तुझा बद रूपी सब की थाव टिकाणा पा लेंदे जीव अज खंड की महिला की थाव पाउंदे हन। गुरमुख अंतर हर नाम बसाए गुरमुख अंतर परमेश्वर दे नाम नु बसाउंदे हन। गुरमुख भगत हर नाम समाए गुरु द्वारा भक्ति करने करके महाराज दे नाम दुख मिली जाए है। आपे दात करे दाता दाता परमेश्वर जिन्हां नु नाम दी दात देना करदा है। पूरे सतगुर सिउ लगे प्यार पूर्ण सतगुरु नानक देव दे नाल प्यार लग जांदा है। नानक नाम रते तिन को जयकार जो नाम च रंगे में जय जयकार है सदा। गौड़ी ग्वारे दी महला तीजा एक सच्चे सब रूप है रंगा रूप रंगा महाराज की तो पैदा होए सिखा नु पुछिया महाराज कहंदे अकाल पुरख को ही पारे सारे रूप जिन्हें आकार है जिन्हें गोरे मगरे काले चिट्टे अनेक प्रकार के रंग हैं जिन्हें मोर दे चित्र आदकां दे सावे तोतियां दे कावां दे काले ही रंग इक तो ही सारे रूप आकार बने सारे चार खानियां दे जिन्हें रंग हैं वखो वखरे देवतियां दे दिव्य पाताल खानी विचों ए भी सारे इक तो ही रूप आकार के रंग भिन्न भिन्न बने हैं। रूप आकार मधुरा छोटा लम्मा दरमियाना ये रंग गोरे काले अनेक प्रकार के रंग हैं जा रूप जेडे आकार हैं सूक्ष्म देह ने ते रंग जेडे स्वभाव हैं तिन्ना गुणा करके जागर जिस तरह राशि तांसी शांत की स्वभाव एक वाहिगुरु तो ये सारे हैं प्रतीत होंगे। पौन पानी बैसंतर सब सह लंगा तत्व करके जगत बने दसदे है लोग मारे कहते भाई पौन विच भी परमेश्वर मिलिया होया है तांजिया सारे दे साह बनी है अते पानी च मिलिया होया तांजिया सारे दे आकार बने इस पानी ते जिंतु करिया ते बैसंतर अग्नि च मिलिया तांजिया भाई सारे दे अंदर खान पीन दा जिहड़ी खुराक है वह हजम हुंदी है इउं पौन विच भी पानी च भी बसंत अग्नि विच सारे दे सह साध लंगा लग्या होया परमेश्वर मिलिया होया सह लंगा नाम साथी दा इकट्ठा पाठ मन के सारे दा उह साथी है पौन दा भी साथी है पानी दा भी साथी है बसंत अग्नि दा भी धरती दा भी आकाश आलकां दा सारे दा संगी है उह परमेश्वर पौन जो रजो गुण है ते पानी जो सतो गुण है बसंतर जो तमो गुण है सारिया गुणा दे नाल भी साथ लगाया परमेश्वर चेतन ओदे करके गुण सिद्ध हुंदे हन। नमो राज सिंह काम सिंह शांत रूपे भिन्न भिन्न वेख हर प्रभ रंगा भिन्न भिन्न चार खानिया ने जीव बना के वेखदा है इक इक लख वजह दी ते खाने दी जून बनाई है तो भिन्न भिन्न करके वेख लो हर प्रभ रंगा ये हरि प्रभु दे रंग कौतक है और जिवें उन तमाशा करना चंगा लगदा उवें करदा है भिन्न भिन्न करके कोई रजो गुणी है केवल खा लिया पी लिया जोड़ लिया भोग लिया कई तमो गुणी है निरे क्रोध जा भुखे ही मरदे रहने जा खा के उवें गधे वांगू पेट भरियो पशु वांगू सोयो मनुख जन्म हारियो ये तमो गुणी पुरख है कई सतो गुणी नरम खुराक खांदे है मिठा बोलदे है इउं भिन्न भिन्न करके हरि प्रभु दे रंग है कौन तो कह ढंग है आप ही सारे नु वेख रहा है प्रकाश रहा है। एक अचरज एको है सोई एको ही अचरज ब्रह्म है वाहिगुरु अत एको सोई गुरु रूप है संसार दे अंदर गुरम एको अचरज निर्गुण ब्रह्म है एको ईश्वर है सो सारे जग दी पालना पोषना उत्पत्ति पालना लेता करने वाला एक आचार्य कोई एक अद्वैत रूप ब्रह्म आचार्य सारे का प्रकाश कितने आप स्वयं प्रकाश रूप
सारे आधार से आप मेरा आधार रूप है सो गुरमुख विचारे विरला कोई कोई जीव रूप है चर्ज रूप कोई ईश्वर रूप है कोई जीव का साखी रूप है इको ईश्वर च साखी रूप है सोई गुरमुख कोई कोई विचार लै बिरला जिन्हों समझ बात प्राप्त हुई है ज्ञान दी रहाओ सहज पावे प्रभ सब नी थाई वो सहज वाहिगुरु पावे बिचर रहा है सारिया थावां दे विचों परमेश्वर कहा गुप्त प्रगट प्रभ बणत बनाई सहज पावे सहज स्वरूप है सारे सच्चे आनंद रूप अते पावे ईश्वर रूप हो के बिचर रहा है कदे राम अवतार धार लिया कदे कृष्ण अवतार धार लिया कदे बावन अवतार धार लिया यो सारे था जो बिचर रहा है सहज पवे सहजो सहज अपना चल स्वरूप है अपना आप रूप प्रकाश का रूप ते जीव हो के किते जूना च भौं रहा है सारे था साखी रूप हो के सारे थावां च सहज सुख स्वरूप भी आप है ते पवे बिचरन वाला साखी रूप हो के भी आप है सबने थान जो व्यापक है चेतन कहा गुप्त प्रगट प्रभ बणत बनाई किते सही गुप्त सूखम देहा हन गियां किते प्रगट सथूल देहा है ए प्रभु ने बनावट बनाना कीती है किते गुप्त निर्गुण स्वरूप कहाउंदा है किते प्रगट सरगुण स्वरूप कहाउंदा है ए महाराज ने जिस तरह की बनावट संसार की बनाई है आपकी मौज विच है आपे सुते गुप्त परमाणु जिवें सूखम ते प्रगट जिवें सथूल देहा हाथी कीती के कुंचे दा सूला सब पर कृपा विच कर फूला ए प्रभु दी बनावट बनाई है सारे च आप ही प्रगट आप ही गुप्त रूप है अज्ञानिया अंदर गुप्त है किते किते ब्रह्म ज्ञानी अंदर प्रगट है ए वाहिगुरु ने आप बनावट बनाई है आपे सुत्या दे जगाई आप ही विद्या रूपी नी सुत्या जिज्ञासुआं नू ज्ञान रास्ता दे के जगा दिंदा है इसकी कीमत किने ना हो उस वाहिगुरु की कीमत किसे दे पासों पाई हो नी आउंदी ना होई या ना होवेगी कह कह कथन कह सब कोई कईयां होंदियां ने व्यास आदिकां दियां कथा है उन्होंने कहने वाले होके होर पंडित विद्वान सब कोई पिछे कहेंगे सी हूं कहेंगे है अगे वो सब कोई कहने वाला होके कहेगा और शक्ति बिरती करके तो स्वरूप नु कसम नहीं कोई कर सकता गुर शब्द समाद बूझे हर सोई महाराज कोई समझ भी सकता कहने हां भाई गुरां दे शब्द विच जिहदा मन मस्त हो जांदा ओ हरि नु समझदा ओहदे च समा जांदा भेद हो जांदा ओदा स्वरूप ही हो जांदा मिल के सुन सुन वेखे शब्द मिलाए जिहड़ा सब शास्त्रां द्वारा सरवण करे फिर सरदा ते विश्वास हो कि कन्ना नाल सुनना करे इस प्रकार ओ अपने स्वरूप नू आप ही सुनना करे कन्ना दे नाल विचार रूपी विश्वास रूपी कन्ना नाल फिर सरवण करके गुरां दे शब्द द्वारा सुन 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 वेखे शब्द मिलाए इस प्रकार फिर आप दे स्वरूप नू वेख लैंदा ओ यो शब्द नाल मारा साहब मेल लेंदा उन्हां वड्डी वडियाई गुर सेवा ते पाए शब्दों की सेवा करके शब्द करके कमाई जेड़ी करनी वाहिगुरु नाल मिलना ये वड्डी वडियाई ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर जी पा लेंदे है जो गुरां दी सेवा करदे हमें नानक नाम रते हर नाम समाए जो हरि दे नाम च रंगे होए है ओ हरि नामी परमेश्वर च भेद हो जांदे जिवें जल च जल मिल जांदा है ऐ वाहिगुरू च पाई ओ समा जांदे भेद हो जांदे वड्डी वडियाई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए गुरमुख अवतार सिंह जी कथा सुनना तां पखा पुखा फेर लग जा तां समझा ना कर कथा के मौके जरा सोने की लाभ है थोनू इतने संघ च रहने जे तुम जाग के लाभ ही नहीं लेना एक कले अवतार सुनी क्या सारे वास्ते बेनती है एक घंटा कथा होंगी और सावधान नहीं ना रहा करो जो सुननी है नहीं तो मैं कला ही कर लिया करूंगा हे गोविंद गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मनमुख सूता माया मोहे प्यार
मनमुख सूता माया मोहे प्यार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज साहब ग्रीन वार जी सूरज जी ने आई हैं जिन्हें सूरज चरण को नेरा चक्या जाता है। गुरु साहब के प्रकाश करके परम का नेरा चक्या जाता है। जिन्हें सूरज के चरण करके रात मुक जाती है, इन्हें विद्या रूपी रात मुक जाती है। जिस प्रकार सूरज के चरण के नाल कबल खड़े आते हैं, गुरमुख सिखा के हिरदे कबलों की न्याई खड़े आते हैं। शुभ गुणा रूपी कबलों दगीतियां खड़े आदियां जिन्हें सूरज चढ़ने करके सारे राह दसे है। ऐ गुरु महाराज साहब के प्रकाश करके साहब संगत जी दुनिया के कोई स्वर्ग के सुख की इच्छा वाले हन गे। मुसलमान आदिक भिस तो परे कोई चीज नहीं मनी उन्होंने। दुनिया के विशेष सुख जेडे है बहत्तर बहत्तर होर ही उन्होंने मुक्ति मनिया है। इस प्रकार कई बॉम मार गई दुनिया के चार वाकियां दुनिया के सुख नद मनिया है। इस प्रकार कई न्यायिका ने आनंदमय कोश नंद मनिया है। किसी ने मन की चमड़ी न संबंधी आत्मा मनिया है। इस प्रकार के जिन्हें राह सारे दस्या पता लग जाता है गुरु साहब के प्रकाश करके। जिस प्रकार साहब सिंह जी सूरज के प्रकाश करके उल्लू अंधे हो जाते हैं, ऐ मनमुख लोग जेड़े है वह ज्ञान करके अंधे हो जाते हैं, उन्होंने समझ नहीं पैंदी है। सूरज के चढ़न के नाल जिस प्रकार सारे अखा प्रकाश हुंदा है, ऐ निर्मल बुद्धि आलिया के अंदर प्रकाश हो जाता गुरु के प्रकाश करके। इस प्रकार सतगुरु जी विद्या रूपी रात नृत्य करने वास्ते सूरज जी नहीं आई हैं, पर सूरज का तपश पैदा करता है। गुरु महाराज साहब तब तपश नेट के शांत सिखा के चित करते है। एक गुण अदक वह तप्त विहीन है। गुरु अमरदास साहब तपश तो रहते हैं, सूरज तपश पैदा करता है। अर्ग दे रेतिया बड़ी गर्मी पैदा करता है। खजूर सचे पातशाह गर्म पुरखा भी शांत करने वाले हैं। गरीब नवाज गौड़ी ग्वारे री महला तीजा। ग्वारे री गौड़ी जाति है, गौड़ी भी तीजे पातशाह उच्चारण करते हैं। मनमुख सूता माया मोह प्यार। जो मनमुख है माया के मोह के प्यार विच सुता पिया है, अविद्या की नींद विच। गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार। जो गुरमुख है सूर्य चढ़े तो जिन्हें जागत पेंदे है, क्यों गुरां दे ज्ञान की विचार करके गुरमुख जाग पे हैं। उन्होंने अंदर सत्संतोख आदि गुण हैं। इस रूप के ज्ञान की विचार परोख अपरोख ज्ञान की है, वो गुरमुख जागते हैं ज्ञान अवस्था च। से जन जागे जिन नाम प्यार। कोई महाराज जागे हैं, महाराज कहते हां भाई वो पुरख तिना लोग जाग पे है जिन्हों का सचे पातशाह नाम नाल प्यार है। सहज जागे सवै ना को। जो सहज ज्ञान विच जाग पेंदे ने ब्रह्म ज्ञानी, वो अविद्या नींद कोई भी महापुरुष सौंदे नहीं, फिर उन्होंने अविद्या की नींद सला नहीं सकती है। पूरे गुरदे बूझे जन को। इस गल नूं भी पूर्ण सतगुरु नानक देव जी की सिक्ख्या करके कोई बुझिया समझ सकदा, कोई कोई जरा पुछे महाराज दे पासों। रहाओ असंत अनाड़ी कदे ना बुझे। असंत हनगे, असंत सागत पुरखों का नाम है, वो अनाड़ी हनगे अवैड़े हनगे अते उल्ट चलन वाले हन। जे उन्होंने कहो कोई आख्या मान लै कहते ब्रह्मा हूं को कहो न माने। जो संत ब्रह्मा भी समझा गए सी ओदा भी कहा नहीं मानना। ऐसे जेड़े असंत पुरख है हर जा सुने ना हर गुण गावे बातन ही असमान गुरावे। ओ असंत है ना संतो है जिन्हें सास गुरास ना विसरे। हर नामा मन मंत धन से ही नानका पूर्ण से ही संत। तो असंत जेड़े सागत पुरख है अनाड़ी अन नाम है द्वैत का। द्वैत दे आड़ी है संगी है,
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝਦੇ ਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੀ ਹਰ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੁਝੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਲੂਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਭਾ ਜੀ ਦਾ 500 ਦਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੂਜਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਜੇ 100 ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੋ ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਤਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾ 50 ਰੁਪਏ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ 200 ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੂਝੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀਝੈ ਅਗਿਆਨੀ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬ ਸੀਝਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਝਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਸਦਾ ਨਿਸਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਯੋਗ ਜਗ ਤਪ ਆਦਿ ਸਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪ ਤਰਾ ਸਗਲੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਗਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਚ ਭਾਈ ਕਰਮ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਧਰਮ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਘਰ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਘਰ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਛਤਰੀ ਸਨ ਦਾਪਰ ਦੇ ਬੈਂਸ ਸਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸੂਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਪੋਸ ਲਾਉਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਮੁਨੀ ਸਮਾਧੀ ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੂਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੂਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰਾਜ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਿੱਗੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਾਫ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾ ਦੇਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਈ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇਈ ਇੱਕ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਮਾਈ ਮੁਨੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਈ ਕਹਿ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੇਲਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਸੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਸਾ ਦਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਸੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਤਛਕ ਲੜਕੇ ਮਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਨਮੀ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਚੂੜਾ ਬਾਲਮੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਾਫ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਘਰ ਹੋਈ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਮੁਨੀ ਜੋ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ
जग नू सपूर्ण कीता सी पांडवां दे नू आके उस प्रकार कलयुग दा जन्म चंडाला दे घर हुंदा है जिवें बाल्मीक होया इस बाल्मीक सुविचारो करो वध करो विचारे इसे प्रकार कली दा कलयुग दे जीआं दा जिहड़ा जन्म है चंडाल कौन है क्रोध क्रोध दे हिरदे च क्रोध सारे अवगुण जिहड़े है क्रोध वाले जीव वाले है कलयुग दे भावे शक्ति कोई नहीं पर क्रोध नाल ही किसे नूं दुख देना साड़ देना नाश कर देना बुरे वचन कहने हटदे नहीं एडे क्रोधी है यो कलयुग दे जीवां दा जन्म जिहड़ा है ओ चंडाल क्रोध रूपी चूड़े दे घर विच ही होया होया है। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई। महाराज कहंदे किसे क्रोधी लोक हन जे नाम तो बिना किसे दी मुक्ति नहीं कदे भी हो सकेगी जो नाम जपणगे उहनां दी कल्याण पाई होवेगी।